राधे राधे बोल रहे हैं आप सभी को। तो जब दिवाली हम करने वाले हैं अपनी नई शुरुआत। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे हमारे लाने हैं योगा, लेकिन हमारी शोल्डर इंजरी की वजह से हम योगा ना कर पाए रहे थे। लेकिन जब टाइम जब दिवाली पे हमने नौ फैसला लो है कि हम जरूर करें योगा, चाहे कछु भी हो जाए। तो चलो लेके चलते अपने पति के पास, देखा तय कि वो का चिदान फैलाने वाले हैं नई वाली। क्या कर रहे हैं? अरे गुलाब वो लग रही है। अरे हाँ भैया, हम का कह रहे कि दिवाली की जब खुशियन के मौका पे, मतलब वो नई उम्मीद के मौका पे, जब पावन मौका पे जब टेम मिले ना, तो सबसे पहले तो पेल पेल के दिवाली मनाओ, खुशियाँ मनाओ। अब हमारी पूछो कि हमें तो इतनी पेले जाती हैं, हमें टेम ना मिलते है। अब बीच में टेम मिले वो कैसे आ रही है, का आ रही दिवाली। दिवाली में जब टेम मिले वो भैया, तो अपने खुद के लौंडा के साथ कैसे इतने तो खेल रहे, आपको वो पता है कितने खेल रहे, नौ खेल रहे। वो बात अलग है कि तीन ठैया बड़े ना हो रहे, लेकिन एक ठैया जो खुद को है वो पेल पेल के लंबाई से बड़ो हो रहा हो। बाकी साथ में पेंटिंग बनाएंगे, स्केचिंग करेंगे, कैसे हमें बीच में लॉकडाउन लगू तो हमने यही सेशन चालू रखू तो अभी भी खेलेंगे। इन्हें अम्मा से मिलवा दो, तुम आ जाइयो बाद में। तो हम जो कह रहे हैं पतिदेव करे नई शुरुआत, कौन वाली? पेंटिंग वाली। अब देखा थे कि हमारी जो सासू माँ है वो कौन तरह नई स्टाइल में नींबू निचोड़े हैं। एक शुरुआत और करनी है। ये तुम्हारे मुंह में। चलो। तो आओ ले चलते हैं आपको हमारी कटोरी अम्मा के पास। देखा थे वो दिवाली कैसे मनाई है नए तरीके वाली। अम्मा, अरे आप सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? बचपन से ही ना हमें कविताएं लिखने को शौक रहा, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी, घर गृहस्थी में हमें ऐसे फंस गए कि अपने शौक को किनारे कहीं पीछे छोड़ा है। लेकिन हमने जो सोचा है कि इस दिवाली से हम भी नई शुरुआत करेंगे कविताएं लिखने की। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कविताएं जरूर लिखेंगे, और आपको छूट देते हैं कि अगर हमने ये काम ना करो तो हम सबके नींबू निचोड़ते हैं ना, आप हमारे नींबू निचोड़ दें। ठीक है, हैप्पी दिवाली। एनटीवी के परिवार का हर सदस्य इस दिवाली एक नई शुरुआत कर रहा है, तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? तो मैंने सोचा है इस दिवाली हमारे घर के पास एक अनाथालय है, वहां के बच्चों को कुछ मिठाइयां, फुलझड़ी और कुछ कॉपी पेंसिल और किताबें दूं, और ये क्रम हर दिवाली जारी रखूं। देखिए कहां तक कामयाब होता हूं, लेकिन इस बार ये एक नई शुरुआत करनी ही करनी है। सुना है दिवाली में कुछ नया शुरू करना शुभ माना जाता है, तो इस दिवाली मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूं, वो है अपनी फिटनेस पे ध्यान देना। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बहुत ध्यान दिया था अपनी हेल्थ पे, पर अब जब से काम शुरू हुआ है मैंने अपनी हेल्थ को फिर से टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर लिया। तो इस दिवाली मैं वर्कआउट शुरू कर दी। चलिए अब जाते हैं परिवार के बाकी सदस्यों के पास कि वो कौन सी नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मुझे अपने आप पे ध्यान देना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मैं इतना ज्यादा वर्कआउट तो नहीं करता। जब भी मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लेकिन अभी एक रिसेंट इंजरी की वजह से वर्कआउट बंद था, लेकिन अब जब दिवाली आ रही है तो क्यों ना एक नई शुरुआत करें। मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक नई शुरुआत के साथ एक हेल्दी शुरुआत भी करते हैं इस दिवाली। अब मैं आपको मिलवाऊंगी कानपुर में बसे हमारे कुछ दोस्तों से जो मॉडर्न कॉलोनी में रहते हैं। सुना है वहाँ की दिवाली भी काफी धमाकेदार है। असली पकड़ है, हमको तो ना एक त्योहार बहुत ही पसंद है सच्ची, और ना पूरा मॉडर्न कॉलोनी जोर शोर से दिवाली मनाने में लगा हुआ है। भैया भी ना साथ सजावट में लगे है। हाँ आपको पता है ये त्योहार का शौक ना हमको बचपन से है, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार हम ई दिवाली को और भी यादगार बनाने के लिए ना एक तो चीज और करने वाले हैं, एक तो नया शुरुआत करने वाले हैं। कहे कि लड्डू के भैया को खाने का बहुत शौक है, तो हम ना उनका बोलते हैं गांटू पर में से बहुत सारा डिचेस सीख कर लड्डू के भैया के लिए बनाने वाले हैं। आप लोग भी डिचेस बनाइए और शेयर कीजिए, ठीक बा? अरे काहे चिल्ला रही हो पगली, हम मोहल्ले को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं जी। दरअसल कहा है कि इस दिवाली हमने जो है एक नई शुरुआत करने की सोची है, और वो नई शुरुआत ये है कि हम पैसे को समझदारी के साथ खर्च करेंगे और सारा का सारा लोन चुकता कर देंगे। लेकिन हम ये जानने के उत्सुक हैं कि आखिर अनीता भाभी कौन सी नई शुरुआत करने की सोच रही है।
Well, इस दिवाली मैंने ये सोचा है कि मैं अपने फिटनेस पे फिर से ध्यान दूंगी। एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हायर किया है मैंने, तो उसके कहने पर मैं इस बार अपनी मिठाइयों को भी सोच समझ कर कंज्यूम करूंगी दिवाली में, और इस रेजोल्यूशन पे मैं टिकी रहूंगी। तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, एंड हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली।